बहराइच सरकारी दफ्तर के पीछे स्टोर में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। एंकर जनपद बहराइच में अधिशासी अभियंता जल निगम के दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जल निगम कार्यालय के पीछे बने स्टोर में आग लगी, जो कि देखते ही देखते पूरे दफ्तर में फैल गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं SP प्रशांत वर्मा ने खुद मोर्चा संभालते हुए दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकलवाया एवं आनन फानन में आग बुझाने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आग कैसे लगी है इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस अग्निकांड की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गयी है। जनरत एक्सप्रेस। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, आज यहाँ पर जल अधिशासी अभियंता जल निगम के दफ्तर में जो पुराना काफ़ी कबाड़ और इत्यादि चीज़ें थी, किन कारणों से आग लगी है इसको पता करना एक अन्य विषय है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी इस आग को बढ़ने से रोकना था। आपने देखा किस तरीके से भीषण आग थी, पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं जो भी हम लोगों से संभव उपाय हो सकते थे, मिट्टी को खोद कर डालना, तमाम प्रकार से पानी की व्यवस्था करना, जल निगम पास नगर निगम का नगर पालिका के यहाँ से पानी लाया गया, मेरे आवास से पानी लगाया गया और मिट्टी खोद के सब लोगों के सहयोग से इसको रोका गया है। किस कारण हुआ, क्या है, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश मैंने कर दिए हैं नगर मजिस्ट्रेट। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।